Welcome to Dr. Gantha Butra's Public Awareness Series. प्रेमिला जी, इतने सालों से आपको तकलीफ है, फिर भी आपके चेहरे की हंसी बहुत ही अच्छी लगती है। इसका श्रेय आप क्या किसको दोगी? मैं मेरे हस्बैंड को। ये मेरे को बहुत उत्साहित करते हैं, मेरे को बाहर घुमाने ले जाते हैं। विदेश में हम 42 कंट्री घूम लिए व्हील चेयर पे। वो व्हील चेयर चलाना सब ये करते हैं, किसी का विश्वास नहीं है। लंदन गई, वहाँ भी डॉक्टर का ट्रीटमेंट अब चल रहा है, और मेरे को कभी ये नर्वस नहीं होने देते। मैं कभी सोच भी लेती हूँ और लोग चलते हैं, मैं नहीं चल पाती, तो ये बोलते हैं कौन सा तेरे को भागना, कौन सा दौड़ में हिस्सा लेना। ओहो प्रेमिला जी, इसका मतलब है हर एक को आपको जैसे मिले वैसे राजेंद्र जी को जैसे हस्बैंड मिलेंगे तो उनको दुनिया में कोई दुख नहीं देखना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, प्रमिला जी को आपने सुना, एकदम हंसता हुआ चेहरा, उनको एकदम स्पास्टिसिटी हो गई है। स्पास्टिसिटी कैसे होती है वो तो मैंने आपको MND मोटर न्यूरॉन डिसीज के वीडियो के टाइम पे बता दिया। अभी आपको जस्ट शॉर्ट में रिवाइज करा देती हूँ। ये है हमारा मोटर कॉर्टेक्स दिमाग में, और यहाँ से जो सेल्स हैं उनमें से जो एक्चुअली फाइबर जाते हैं या ट्रैक्स जाते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में जा रहे हैं। अब जो ट्रैक्स हैं वो मोटर न्यूरॉन जो यहाँ के दिमाग के हैं वो कम हो जाते हैं, या वो उसमें बीमारी होने के कारण स्पास्टिसिटी होती है, या वो ट्रैक्स में कोई खराबी हो गई तो उसके कारण स्पास्टिसिटी होती है। तो जो ट्रैक सबसे लंबे हैं यानी यहाँ से पैरों तक जाते हैं, तो बीमारी पहले पैरों में शुरू होती है, बाद में हाथ में, बाद में आपके शायद गले में ए होगी। वैसे ही इनको हुआ है, इनको पहले पैरों में चलने में तकलीफ थी, पैर कड़क थे, फिर हाथ में हुआ, फिर थोड़ा सा आवाज़ में भी हुआ, पर ये सब होने के बाद भी उन्होंने फिजियोथेरापी और दवा से अपने को मोबाइल रखने की एक्टिविटीज़ करने की कोशिश की, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बीमारी पर ही एक बुक लिख ली। और अब दूसरी बुक, उनको खाना बनाने में बहुत शौक है इसलिए वो रेसिपीज़ में भी लिखने वाले हैं। उसके सिवा वो सूरत में महिला मंडल में भी बहुत एक्टिविटीज़ बहुत सारी बाकी भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे और अभी भी करते हैं। चलो सुनते हैं प्रमिला जी। प्रमिला जी, आपके बीमारी के बारे में बताइए। हाँ, मैं 13 साल से बीमारी से ग्रसित हूँ। ये स्लो प्रोग्रेसिव बीमारी है। पहले ये पाँव में हुई, पाँव में इनबैलेंस होने लगा तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, उसके बाद उन्होंने सजेस्ट किया फिजियो का। तो इसमें बीमारी का इलाज यही है, खास पहले फिजियो करवाओ और आप खुद एक्सरसाइज करो, और दवाइयाँ भी लेनी ज़रूरी है। कई लोग बोलते हैं दवाइयों से नहीं होता, दवाई भी उतनी ज़रूरी है जितनी फिजियो है। आप खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आपका कौन सा हिस्सा काम नहीं कर रहा, उसी को आपको एक्टिवेट करना है। मैं दिन भर इसमें बिजी होती हूँ। मैंने अपने किताब भी लिखे है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, दोनों में। तो इस किताब में मेरी पूरी डिटेल है, मैंने सब लिखा है कि अपने को क्या करना चाहिए क्या नहीं, इस बीमारी को हराना है। इस बीमारी का वैसे कोई इलाज नहीं है, ये धीरे धीरे बढ़ेगी। अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं निकला, लेकिन जो दवाइयाँ डॉक्टर देते हैं बैक्लोफेम, वो आपको लेनी है, एक्सरसाइज रेगुलर करनी है। हाँ, मैंने बीच में
फिजियो बंद करते थे। मैंने सोचा मैं कर लूँगी, लेकिन उससे बहुत नुकसान हुआ, मैं उतनी पीछे चली गई। लेकिन जल्दी संभल गई और जल्दी फिजियो शुरू कर दी, और मैं खुद भी एक्सरसाइज करती हूँ इसमें। थेरेपिस्ट ने ये आज 12 साल से ये फिजियो करवा रही है। यास्मीन बेन, थोड़े एक्सरसाइज बता दो। यस, ज्यादातर स्टिफनेस होता है तो आई फोकस ऑन स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ हर वीक मसल्स। हिंदी में दोनों पैर मोड़ दीजिए। पैरों का कड़क पहना कम करने के लिए अलग अलग जात की कसरत। पैरों का कड़क पहना कम करने के लिए अलग अलग जात की कसरत। पैरों का कड़क पहना कम करने के लिए अलग अलग जात की कसरत। पैरों का कड़क पहना कम करने के लिए अलग अलग जात की कसरत। हाथ के स्टिफनेस के लिए कसरत। आने के लिए और चबाने के लिए कसरत। उसके सिवा ओम की कसरत से बोलने का बहुत ही सुधर गया। आने के लिए और चबाने के लिए कसरत। उसके सिवा ओम की कसरत से बोलने का बहुत ही सुधर गया। इस बीमारी में सबसे ज्यादा परिवार का सपोर्ट चाहिए, मेरे स्टाफ का सपोर्ट चाहिए। सुरेश और गीता मेरी बहुत सेवा करते हैं। मेरे दो बच्चे हैं, वो भी बहुत ध्यान रखते हैं। बेटी जवाई तो बेटी तो बेटा बेटी मेरे हैं, लेकिन जवाई और बहू वो विशेष मेरा ध्यान रखते हैं। बाल के होते हुए भी बहुत ध्यान। मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है। मेरा जैसे रामाचार जी साबू, विमला जी साबू, डॉक्टर एस के राठी, मधु राठी, डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर अल्पना, डॉक्टर बी एस अग्रवाल, संतोष जी अग्रवाल, ये मेन है। मेरे को मधु तो मेरा बहुत ध्यान रखती है, मेरे साथ साथ चलती है, कदम से मन बहुत सुखी बनाया। इनके तो मैं तुलना भगवान से भी करूं वो भी काम है। वो बोलते हैं जब कोई बात बिगड़ जाए जब तुम देना साथ मेरा, वो ही है ये। वाओ, इंटरनेशनल वुमेन्स डे का एक्चुअली इस टाइम पे संदेश क्या है? एम्ब्रेस और इंक्लूजन। और अभी आपने प्रमिला जी की फैमिली देखी, इससे अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा ही नहीं। हस्बैंड, पूरी फैमिली,
सब सपोर्ट सिस्टम फ्रेंड्स उनके लिए खड़े हैं और वह सबके लिए। सो मुझे लगता है प्रमीला जी का वीडियो और उनके जैसे एक्टिव होना ही सबसे अच्छा सेलिब्रेशन हम लोगों के लिए इंटरनेशनल वुमेंस डे का है। धन्यवाद।